तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। और घर से ही देख पा रहे होंगे आप हमें और दिन की तरह। और आज ये देखिए, आज ये देखिए, चीकू सबसे पहले उठ गया हमसे भी और बाहर बैठा हुआ है। तो ये देखिए चीकू जी, हाय गाइज बोल दे। बोला हाय गाइज, कैसे हो? अरे वाह। तो चीकू उठने के बाद ये बिस्किट और दूध ले रहा है, इसको शायद भूख लग गई होगी। और इंजॉय कर रहा सुबह सुबह टीवी कार्टून देख करके। और किचन में अभी कुछ बना नहीं और सिर्फ चीकू का दूध गर्म हुआ है। और ये अभी प्याज कटे हैं और किचन में कोई भी नहीं आया अभी तक। ये देखिए चीकू, स्कूल जाओगे? स्कूल चीकू, स्कूल नो, नहीं स्कूल चलना है, ठीक है? क्या हो गया? थोड़ा सा जाना है। हाँ मैडम, मैडम मैडम पता है चीज रखी है आपके लिए। स्कूल के लिए बिल्कुल ही मना करता है लेकिन बाद में चले ही जाता है ना। ये देखो मोहतरमा जी भी उठ गई हैं। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ जी क्या हो गया? कंधे दर्द कर रहे हैं आपके? हैं, अगर तुम गांव में होते तो क्या करते हैं? हैं, गांव में तो तुम्हारी तो हालत खराब रहती है। हाँ कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलना। ये देखो सुबह सुबह। तो दोस्तों, जैसे कि आपको चीकू के पापा ने सुबह दिखा दिया था हमारी गुड मॉर्निंग कैसे हुई थी, और आगे का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने चीकू को थोड़ी देर के लिए उसकी नानी के घर भेज दिया है। और चीकू घर का हाल देखो क्या करके गया है। और मैं सारा दिन इसको बस समेटती रहूँगी। अब आप ये देखो, कोई भी एक चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलेगी। वो सारी चीज़ ऐसे हमारे घर में फैला के रखता है। उसको सारा फैला के रखना बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ फैला पड़ा है। अब इसको समेटने में ही मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो जी हो गया है इवनिंग टाइम और ये होता है टी टाइम। वैसे तो हम पीते हैं मिल्क वाली, शुगर वाली टी, पर मैंने वो छोड़ रखी है। तो कभी कभी वो भी चल जाती है और कभी कभी हम ग्रीन टी भी पी लेते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है रोज़ पेटल और ये हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, यह है अनार के छिलकों का पाउडर। ये मैंने घर में ही अनार के छिलकों को सुखा के और उनका पाउडर बना के रखा हुआ है। इससे ना गाइस आपके जो पेट की प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत सॉल्व होती हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। मैंने पहले भी, शादी से पहले भी मैं ये पीती थी तो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, और अब थोड़ी ख़राब हो गई है तो मैंने फिर से ये स्टार्ट कर दिया है। और जो ये रोज़ पेटल्स देख रहे हो ना आप, ये गांव से लाए हुए देसी गुलाब हैं। इनको मैंने धूप में सुखा के और स्टोर करके एक डब्बे में भर के रखा हुआ है, और मैं इनकी टी बना के पीती रहती हूँ बीच बीच में। और इस साइड पे हम थोड़े से अपने लिए मखाने रोस्ट कर रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा हैं क्योंकि चीकू भी आने वाला है और चीकू भी खाएगा ये। चीकू को भी बहुत पसंद है मखाने, तो उसके लिए भी रोस्ट करके रख रही हूँ मैं। आप भी अपने लिए हेल्दी स्नैक बनाओ इवनिंग में और खाओ। वैसे तो मैं रोज़ बिस्किट या ब्रेड पे चली जाती हूँ, पर वही मेरे को नुकसान दे रहा है बहुत, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसको छोड़ने की। तो ये रही हमारी ग्रीन टी और ये रहे चीकू पापा। आ तब जल्दी क्यों आए हो? अरे यार गर्मी लग गई थी और ऊपर से धूप इतनी तेज हो रही ना आज। धूप तो रोज होती है। अरे रोज नहीं होती भाई, आज कुछ ज्यादा ही है। जरा बाहर से निकल के देखो जरा। तुमने इसको मेरे ख्याल से एक सेकंड होल्ड करो, उल्टा क्यों लगा रखा है? तो भाई हमारा सारा काम हो चुका है,
अब हम पी लेते हैं अपनी ग्रीन टी, बहुत देर से पड़ी है बेचारी। और चीकू पापा भी आ गए हैं जल्दी। आज जब चीकू घर में नहीं होता तो सब फ़ायदा उठाते हैं कि थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए चीकू पापा भी जल्दी आ गए हैं। वैसे जब मैं बुलाती हूँ कि जल्दी आओ, थोड़ी देर इसको संभालो कोई, तब कोई भी नहीं आता। तो अब बातें करते करते हम थोड़ा सा अपने लिए ड्रिंक भी बना लेते हैं, ड्रिंक पी लेते हैं। और जो है आप लोग भी अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रिंक बना लीजिए, तो साथ साथ बातें करते हुए पियेंगे। और एक चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ, ये मैं अपने लिए लाई थी ग्रीन टी। मुझे बड़ी अच्छी फ्लेवर ग्रीन टी जो होती है ना, वो पीना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास बहुत सारी ग्रीन टी हैं, तो मैं अपने लिए ग्रीन टीज लाती रहती हूँ। और चिकू के पापा कहते हैं तू मुझे नहीं पिलाती, अकेले अकेले पीती रहती है। पर कोई घर में ही नहीं होता तो किसे पिलाएंगे, खुद ही पी लेते हैं। इसीलिए तो आप लोग भी लाओ और पियो, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और ज़रूरी होती है। हम लोग जो है ना घर के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि एक पानी का गिलास तक पीने का टाइम नहीं रहता। पर सबको लगता है कि ये घर में ही तो बैठे हैं कर के रहे हैं, घर में बैठ के ही तो आराम से ही तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम सब कर सकते हो। पर जब घर में रहना पड़ता है आपको, जब घर में सारा आप, अगर आप शादी से पहले वर्किंग रहे हो और आपको उसके बाद आपको घर में ही बैठना है, घर का ही सारा काम है, घर आपको खुद ही संभालना है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी भी होने लग जाती है कभी कभी, तो कि मतलब क्या करूं, क्यों ऐसा करना पड़ता है और क्यों यार मैं ही क्यों संभालूँ। पर सही भी है, अगर जेंट्स के हाथ में घर होगा ना तो घर लुट पुट जाएगा बेचारा, घर की भी हालत खराबी हो जाएगी जैसे उनकी खुद की रहती है, क्योंकि वो लोग ना तो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं और ना ही वो घर को कर पाते हैं ढंग से मैनेज। वो मेंस जो होते हैं वो एक बार में एक ही काम को ठीक से करते हैं, पर जो लेडीज़ होती हैं वो एक बार में बहुत सारे कामों को ठीक से कर देती हैं। इसीलिए जो है लेडीज़ को ही घर दिया जाता है कि तुम ही संभाल लो भाई, नहीं तो जितना आ रहा है वो भी जो है कहीं चला ना जाए। दैट्स वाई लेडीज़ को घर दिया जाता है, क्योंकि लेडीज़ थोड़ा समझदार भी ज़्यादा होती हैं, वो दिमाग ज़्यादा लगाती हैं ना हर चीज़ में और सोचती हैं हर चीज़ को, और सामाजिक रूप से भी जो है सबसे जुड़ी रहती हैं, पर चाहे वो दूर की मामी फूफी बुआ कोई भी हो। तो इसीलिए ना लेडीज़ को घर की जिम्मेवारी दी गई है, तो इसीलिए अगर हमें घर का टास्क मिला है तो हम घर का टास्क तो अच्छे से करेंगे ही, साथ में अपने लिए भी कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेंगे। और सोचती तो मैं भी बहुत कुछ करने के लिए, पर अभी मेरा बेटा छोटा है इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, पर सबको लगता है कि ये करना नहीं चाहती है। बट छोटे बच्चे जब तक वो समझदार नहीं हो जाते, बैठने लायक, बोलने लायक, समझाने लायक, तब तक आप उनके साथ में ज़्यादा ऐसे काम नहीं कर सकते। एक और अगर आपका बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव हो कि वो एक सेकंड के लिए कहीं ना बैठता हो, आपके सुनता ही ना हो, वो अपनी धुन में धार 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 लगा रहता हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके साथ इतना ज़्यादा ओवर टायर्ड हो जाओगे ना कि आपको लगेगा कि यार अब मैं इतनी थक गई, अब मैं क्या काम करूँ। फिर आपको घर में भी काम करने को मन नहीं करेगा, बट इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। कोई बात नहीं, हम खुद को तो समझते हैं, इसलिए हमें खुद को समझना चाहिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और हमारी लाइफ में हमें कुछ खुशी देगा या हमें कुछ अच्छा देगा या हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। जब तक हम ही अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। वो छोटा सा 6 मंथ का था जब, तब से ही वो क्या करता था, वॉकर लेके घुस जाता था और सब सामान उसको गिरा देना होता था और कुछ नहीं छोड़ता था वो, तो इसीलिए हमको सब कुछ हटाना पड़ा यहाँ से। अब किचन का काम हो गया है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं, आ जाओ। और ये जितने भी रैक दिख रहे हैं ना आपको, ये सब हमने ना डेकोरेशन के पर्पज़ से जो है बनवाया था कि थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट करेंगे, पर हमारे बच्चे ने इसको एक दिन भी डेकोरेट रहने ही नहीं दिया। वो छोटा सा 3 मंथ का था तब, इसको मैं बड़े शौक से लेके आई थी, ये JBL का है, बड़े शौक से मैं इसको ले आई थी, होम थिएटर लाई थी पूरा, इसके साथ में ये अटैच्ड,
बट मेरे बेटे ने इसके साथ इतनी कारस्तानी करी ना कि इसके पीछे एक होल है और उसमें सारा सामान डाल डाल के उसका स्पीकर ही ख़राब कर दिया। अब उसको ठीक करने आने के लिए ही बंदा जो है 700-800 रुपए तो सिर्फ आके देखने के लिए मांग रहा है, और फिर इसको अंदर जो पार्ट ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए अलग से पैसे मांग रहा है। तो अब देखते हैं इसको मार्केट ले जाएंगे, कोई अच्छा स्पीकर वाला होगा जो इसे ठीक कर देगा तो ये बेचारा ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसकी हालत भी ख़राब कर। तो अब सबसे पहले कर लेते हैं बर्तन धुलाई, किचन को सबसे पहले कर देते हैं क्लीन ताकि फिर एक जगह का काम तो निपट ही जाएगा, फिर बाकी जगह का काम निपटाएंगे। और दोस्तों अब होने वाली है विंटर स्टार्ट, तो हम सोच रहे हैं विंटर्स में इस बारी कुछ इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रख लेते हैं पहले से खाने के लिए। और ख़ास तौर पर चीकू जो कि कुछ खाता नहीं है, आपने देखा ही है उसको, उसके खाने के कितने ड्रामे होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है कि कैसे करके चीकू को खाना खिलाया जाए या चीकू को किस तरीके का खाना खिलाया जाए जो उसे पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चीकू को हम सब कुछ बना बना के ट्राई करके देख चुके हैं और चीकू जो है महाराज जी कुछ खा के तैयार नहीं होते हैं। हर एक आइटम कोई बोलेगा कि ये नहीं बनाते होंगे उन्हें, पर मैं हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, वो कुछ भी नहीं खाता है ऐसे। उसको बहुत, अगर वो खाना ले लेगा तो मुंह में दबा के बैठा रहेगा, अदरवाइज़ फिर मुझे ऑप्शन नहीं बचता तो मुझे उस खाने को उसको पीस के खिलाना पड़ता है। तो इसीलिए आपके पास अगर कोई ऑप्शन है कि कैसे खाना खिलाया जाए ऐसे बच्चों को, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मतलब घर में एक भी चीज़ ना अपनी जगह पर रह नहीं सकती अगर चीकू घर पर है तो, और चीकू के पापा भी घर पे हैं तो वो भी यहाँ से वहाँ सामान को पटकते रहेंगे, और जो भी सामान निकालेगा कोई भी अपनी जगह पे उस सामान को वापस रखता ही नहीं है। अकेले मैं ये सारा दिन एक सामान को वहाँ से वहाँ संभालती रहती हूँ और तब भी जो है ऐसे ही बिखरा ही रहता है। और फिर भी चीकू के पापा बोलते हैं कि तुमने क्या काम करना है, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए सारा दिन। अगर मैं इस घर को ऐसे ही छोड़ दूँ जैसे ये इस वक्त है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जी चीकू जी आ गए अपनी नानी के घर से, आ गए हैं चीकू जी। ये देखो आते ही देखो, ये देखो भाई कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का, सारा दिन करो और फिर ये हाल होता है। भाई साहब ने आते ही फैला दिए, चाहिए कुछ नहीं खेलना, एक से भी नहीं है, क्यों फैलाए हैं आपने ये? ए चीकू राजा उठाओ इसको, नोने मोने। यस है? सांप का है, सांप का है, सांप का है, सांप। बोलो क्या बोल रहे बेटे? तो ये ऐसे बोलने के लिए, हेलो हेलो करने के लिए। हेलो 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 बिल्ली, पहले हाय कर, बिल्ली नहीं है वो, हाय गाइस बोल दो। कार नहीं फेंकना, बच्चे ले जाएंगे। आ जाओ चलो अंदर चले, कम कम इनसाइड। बॉल दे तो दी आपको, आते ही बॉल दिए मैंने ऑरेंज कलर की, देखो कितनी अच्छी बॉल है, कलरफुल बॉल दी आपको, देख कितनी अच्छी बॉल है। अच्छा पहले चिज्जी दूंगी, चलो चिज्जी दूंगी आपके लिए, मैंने चिज्जी बनाई है, चलो तो सही। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय सी यू। यहां देख के बोलो, यहां देख के बाय सी यू बोलो दोस्तों, बाय सी यू। अब चलती रहेगी फुल ऑन मस्ती। तो अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।